केक है डार्लिंग, मजा आ गया। वो हस्बैंड एंड वाइफ तो अपनी एनिवर्सरी मनाकर चले गए और केक दुनिया भर को खाना पड़ रहा है। वेटर, ये केक यहाँ से ले जाना, इनको स्वीट खाना मना है। अरे डार्लिंग, कोई इतने प्यार से खाने को गए तो क्या उसे मना कर सकते हैं? डॉक्टर हो के ऐसी बातें करते हो? पहले अपनी हेल्थ का तो ख्याल रखिए, ऑलरेडी 3 पैक पी चुके हैं आप। डार्लिंग, रोज थोड़ा थोड़ा पीने से दिल मजबूत बनता है, आंखों में प्यार आ जाता है और अपनी वाइफ अनार कली लगती है। चढ़ गई डॉक्टर, चढ़ गई डॉक्टर। आप डॉक्टर है? विनोद, मच गया। आजकल ना जुआनिया और नबला शरीर, खराब हालत, जो मैंने 60 प्लस स्टिल गोइंग स्ट्रॉन्ग ना, क्या हुआ तेरे को? जवान आदमी और हार्ट अटैक? तेरे को क्या हुआ? अरे मर गया, एक सेकंड में मर गया। और एक डॉक्टर खड़ा खड़ा दिखता रहा। ये दोनों एक साथ बैठे थे ना? हाँ, इसी टेबल पर। तो दोनों को हार्ट अटैक कैसे आया? अरे एक आदमी को हार्ट अटैक आवे तो समझ सकता है, लेकिन एक ही टेबल पे बैठे दो आदमी को हार्ट अटैक कैसे आ सकता है? इम्पॉसिबल। यार तुम्हारा रेस्टोरेंट में जरूर कोई गड़बड़ है। क्या कह रहे हैं आप? हमारे रेस्टोरेंट में कोई गड़बड़ नहीं है। तो फिर ये मर कैसे गया और वो दूसरा मरते मरते बच गया? हमको लगता है ये खून का मामला है। खून? हाँ खून। CID को बुलाओ। क्या कर रहे थे ये लोग? सर ये लोग इस टेबल पर बैठ के ड्रिंक्स ले रहे थे सर, यहीं। सर एक ही टेबल पर बैठे हुए दो आदमियों को एक के बाद एक हार्ट अटैक कैसे आ सकता है? हाँ ये बात तो है, चांसेस बहुत कम है। सर इसीलिए मुझे लगा कि शायद मर्डर वर्डर का मामला हो। हाँ सर, सर ये मर्डर ही है। अच्छा जी, इसे जहर दिया गया है। देखिए इसकी गले के अंदर की हालत, इसकी आंखों के अंदर देखकर ऐसा ही लगता है। ये ड्रिंक्स इन्हीं के हैं ना? हाँ यस सर। तो फिर जहर इसी में से आया होगा, इसमें से या फिर इन पीनट्स में से या चिप्स में से। देख सारा एविडेंस अपनी कस्टडी में ले लो। ये नहीं हो सकता सर। क्यों नहीं हो सकता? मौत यहीं पे हुई है ना? जी हाँ सर, वो तो ठीक है, लेकिन हम लोग ड्रिंक्स में जहर नहीं मिलाते हैं। चाहिए तो मैं पी कर दिखाता हूँ सर। अरे अरे अरे, अरे, अरे कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। हम लोग कस्टमर को जहर नहीं देते सर। तो फिर इन्होंने खाया क्या? सर दोनों ने शायद एक ही चीज खाई होगी एक ही टाइम पर। जहर है सर, वही जहर है। देखो ना, तुम दोनों ने कुछ ऐसी चीज खाई है जिसमें जहर था और दोनों को ही हार्ट अटैक आया। हाँ, और अरविंद को भी हार्ट अटैक आया। कुछ याद आता है क्या खाया होगा? क्या क्या खाया होगा? देखो दोनों ने एक ही चीज खाई है। एक ही चीज? हाँ एक ही चीज। सर हम तो दिल्ली से आए हुए हैं एक मीटिंग के लिए, होटल के अलग अलग कमरे में ठहरे हुए हैं।
सुबह से ही अलग अलग खा रहे हैं। फिर भी एक चीज है जो दोनों ने आपस में बांटी है, मिलके खाई है। सर कुछ नहीं खाया सर। दोनों को हार्ट अटैक एक साथ में कैसे आया? कुछ तो खाया है एक साथ मिलके। एक साथ तो एक सिगरेट पी थी सर। हाँ वो अरविंद पी रहा था सर, तो मैंने भी दो चार कश लगा लिए। बची हुई सिगरेट कहाँ पे की है? एक दो कश मारने के बाद ही मैंने सिगरेट एस्ट्रे में रख दी थी। अरविंद 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 ये क्या हो गया? प्लीज नॉट टच। क्या हो गया? वो सिगरेट ये एस्ट्रे में रखी थी। डोंट टच इट। एकदम अलग स्मेल है सर, जहर है। हाँ जहर है। सिगरेट है कौन सी? फायरलाइट। सिगरेट में जहर है ये बात तुम लोगों को सिगरेट पीते वक्त समझ में नहीं आई? मैं तो हर रोज नहीं पीता हूँ साहब। तुमने एक दो कश मारे इसलिए बच गए, वरना मैंने तो पहली बार सुना है सिगरेट में जहर। अच्छा इसका बाकी पैकेट कहाँ है? पैकेट तो नहीं था साहब। नहीं, ये एक ही सिगरेट थी। ये अरविंद अरविंद लेकर आया था अंदर से, उस बार काउंटर से। सिगरेट यहीं से खरीदी थी? जी। और एक ही थी? जी। इम्पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता सर, हम लोग सिगरेट बेचते ही नहीं है। देखिए सर, ये आदमी अंदर सिगरेट मांगने के लिए आया था, पर हम तो सिगरेट रखते ही नहीं ना, इसलिए मैंने दी नहीं। कब आया था ये? सर यही हार्ट अटैक होने के चार पांच मिनट पहले। चार पांच मिनट पहले? जी। मतलब ये सिगरेट लाने अंदर आया तो तुमने उसे मना कर दिया था? यस सर। है ना? जी। और जब ये वापस आया तो इसके हाथ में सिगरेट थी? जी, ये पीता हुआ आ रहा था और खांस भी रहा था। तो इसका मतलब है ये सिगरेट अंदर कहीं से लेके आया था। इस टेबल पर कौन कौन बैठा था? यहाँ हम लोग बैठे हुए थे सर। उसने सिगरेट तुम्हारे से ली थी? नहीं नहीं सर, मैं तो सिगरेट पीता ही नहीं। और आप कहाँ बैठे थे? सर हम उस टेबल पर बैठे हुए थे, इस पे। और यहाँ कौन बैठा था? सर यहाँ एक कपल बैठा था जिनकी वेडिंग एनिवर्सरी थी, उन्होंने हमें ये केक भी खिलाया था। वही सिगरेट, फायरलाइट। शायद उसने सिगरेट इसी आदमी से मांगी होगी जो यहाँ बैठा था। सर मैंने देखा था उसे इनसे बात करते हुए। देखा था? तो सिगरेट यहीं से आई है। केक पे लिखा है नवीन एंड संध्या। इन्होंने जहर भरी सिगरेट अरविंद को क्यों दी होगी? इन्हें कोई हार्ट अटैक वगैरह नहीं आया? ये नवीन को इन्होंने भी सिगरेट दी है? जी नहीं। आप इन्हें जानते हैं? जी नहीं। अरे मगर इन्होंने फोन करके ये टेबल रिजर्व करवाया था और केक और ये बुके भी मंगवाया था। अच्छा इनका टेलीफोन नंबर है आपके पास? जी है। तो जल्दी से लो, इनके घर चलते हैं। ये अरविंद तो दिल्ली से आया था, उसने नवीन से बिना जान पहचान सिगरेट मांगी। हाँ सर, नवीन ने अपने आप उसे सिगरेट नहीं दी। हाँ, और अगर वो नवीन से सिगरेट नहीं मांगता तो मरता नहीं, और वो जहर भरी सिगरेट नवीन पी जाता और नवीन मर जाता। जी सर, सिगरेट उधार देने से नवीन बच गया। इसका मतलब है कि कोई नवीन को मारना चाहता है और उसने नवीन के सिगरेटों में जहर भर दिया है, पूरे पैकेट में नहीं, किसी किसी सिगरेटों में। अब अगर वो सिगरेट पिएगा सर तो शायद मारा जाएगा, ये बड़ा खतरनाक जहर है। अच्छा तुम नवीन के घर पे फोन करके बोलो कि उसके सिगरेटों में मौत है। ये लो, रात पहुंचते ही फोन का बजना शुरू। इतनी रात में कौन याद कर रहा है? पता नहीं, मेरा तो कोई फोन आने वाला है नहीं, शायद तुम्हारा ही फोन होगा। मुझे कौन फोन कर सकता है? ओहो ये चाबी भी, इसे भी अभी अटकना था। तुमने भी ना चाबी कैसे अटका दिए? जैसे सालों से कर रही हो वैसे ही किया था। मुझे आता है दरवाजा खोलना। ये लो, खुल गया।
अब जाके देखो मैं की किसका फोन है, शायद तुम्हारी गर्लफ्रेंड होगी। देखा, बंद हो गया। ऐसे कैसा होता है कि जब भी हम किसी को फोन करने की कोशिश करते हैं तो फोन खराब हो जाता है? और ये लोग सिगरेट पीते ही क्यों हैं? जहर से नहीं मरेगा तो वैसे ही मरेगा सिगरेट पी के। तुमने कहा था ना तुम आज के बाद सिगरेट नहीं पियोगे, कहा था ना तुमने? हाँ कहा था। फिर मगर क्या कहा था मैंने? क्या मैंने ये कहा था कि आज रात को 12 बजे के बाद मैं सिगरेट्स को हाथ नहीं लगाऊंगा। अरे हाथ तो दूर की बात है, मैं तो उनकी तरफ देखूंगा भी नहीं। लेकिन अभी 12 नहीं बजे हैं, मुझे ये वाली पीने दो। तुमने वहां पी थी ना एक रेस्टोरेंट में? अरे ये आखिरी वाली होगी, इसके बाद सिगरेट्स को अलविदा। प्रॉमिस? प्रॉमिस, तुम्हारी कसम। ठीक है तो मैं छांट के देती हूँ तुम्हें एक सिगरेट। ओके ओके, ये लो। थैंक यू। सिगरेट में जहर मिलाने का आइडिया दिमाग में आया कैसे होगा? वो भी ऐसा जहर कि 3-4 कश मारा और आदमी मर गया। ये सिगरेट पीना बंद हो जाना चाहिए सब जगहों पे। मैं ACP प्रद्युमन हूँ। ये लोग सिगरेट सिगरेट बोलते हुए घुसे हैं घर में। तुमने ये सिगरेट पी है क्या? हाँ एक कश लिया है। इस सिगरेट में जहर है। क्या तुमने रेस्टोरेंट में किसी आदमी को सिगरेट दी थी? हाँ दी तो थी। वो आदमी मर गया है। मर गया है? हाँ, और दूसरा आदमी मरते मरते बचा है मेरी सिगरेट से। हाँ हे भगवान आप बच गए, भगवान का लाख लाख शुक्र है। नवीन 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 क्या बैठो मुझे थोड़ा चक्कर आ गया। तुमने सिर्फ एक कश लगाया इसलिए तुम बच गए। अगर हमारे आने में सिर्फ 5 मिनट की भी देरी होती तो तुमने पूरी सिगरेट पी ली होती और शायद। आप ऐसे बात मत कीजिए प्लीज। वो सिगरेट का पैकेट कहाँ है जिसमें से तुमने सिगरेट ली और उस आदमी को दी थी? वो पैकेट तो मैंने खिड़की से बाहर फेंक दिया। क्या कर रहे हैं? मतलब जा रहा है तो जमीन पे क्या ढूंढ रहा है? हाँ जमीन पे। हाँ जमीन पे। वो जमीन पे मेरे कुछ पैसे गिर गए। अरे पैसे वैसे होंगे तो गिरेंगे ना। मजूरी लगता है, चोरी करता है। कोर्ट में लगी मजा रहा है, जा रहा हूँ ना। अरे कुछ रूअप करता है। अरे कोर्ट में CID से, यहाँ भी ऊपर से एक सिगरेट का पैकेट फेंका गया था, वही ढूंढ रहे, कहीं दिखाई नहीं दे रहा। नहीं मिल रहा है ना? हाँ तो शायद वही लेकर गया होगा। कौन लेके गया होगा? तो एक नशेड़ी था, वो गांजा चरस तो पीते ना, वो उसको मैंने इधर से कुछ उठाते हुए देखा। आपने उसे पैकेट उठाते हुए देखा यहाँ से सिगरेट का? पैकेट उठाते हुए तो नहीं देखा। तो फिर आपको कैसे मालूम?
आपको मिल नहीं रहा है तो वही उठा के ले गया होगा। वो दिखने में कैसा था? नशेड़ी था और पीले रंग की टी शर्ट पहनी थी। अगर मुझे मालूम होता तो मैं ये सिगरेट पीता ही नहीं। वो इसमें जहर है इसमें। वो मैंने इन्हें बिना बताए उस पैकेट में से 3-4 सिगरेट्स निकाल कर छुपा कर रखे थे। क्या मुझसे बिना बताए? हाँ, मैंने सोचा था रात को चुपके से पीऊंगा और फिर छोड़ दूंगा हमेशा के लिए। मगर तुमने तो मुझसे प्रॉमिस किया था कि ये तुम्हारी आखिरी सिगरेट होगी। हाँ, मैंने प्रॉमिस किया था, लेकिन सिगरेट छोड़ना एक आसान काम थोड़ी है। वो सिगरेट दिखाइए, कहाँ छुपा के रखी? आइए बैठिए। मैं लेके आती हूँ, आप मुझे बताइए कहाँ है। वो वहाँ है, वो स्पीकर्स के पीछे। नहीं, यहाँ वो नहीं, वो दूसरे वाले। ये देखिए, इसमें जहर है। सर, वो पैकेट नीचे कहीं नहीं मिला है। नहीं मिला? नहीं। आपने आपने फेंका है ना नीचे वो पैकेट? What do you mean? Of course मैंने फेंका है वो पैकेट। तो फिर सर, शायद वहां से उसे कोई आदमी उठा के ले गया, क्योंकि दूसरे आदमी ने देखा कि एक ड्रग एडिक्ट जैसे वहां कोई घूम रहा था। उसने उसे वहां से कुछ उठाते हुए देखा सर। ये लेखा और मुसीबत, अभी तक एक मौत हुई है, अब 7-8 और होंगी। सर, तुम जल्दी से जाके ढूंढो उस आदमी को, देखो वो कहां गया। Predicts, तुम भी जाओ साथ में। यस सर। आशा, तुम भी जाओ। यस सर। सुधाकर। हाँ तो नवीन सर, अब तो सच सच बता दो, कौन कर रहा है ये सब? हम यहाँ से जा रहे थे तो ये पड़ा था, और गाड़ी से उतर के देखा तो ये मर चुका था सर। माय गॉड, वही है, वही कपड़े पहने जो साथी ने बताया, बेचारा मारा गया। वही सिगरेट, फायरलाइट्स, सिगरेट पीते ही मर गया होगा। आशा, ये पॉकेट चेक करो, देखो वो पॉकेट पैकेट है क्या इसकी जेब में। पैकेट नहीं है, इसने किसी को दे दिया होगा। सर, वो आदमी मिल गया है, अगर उसके पास वो पैकेट नहीं है। हाँ सर, शायद उसने किसी और को दे दिया। सर, उसने भी एक सिगरेट पी है सर। हाँ सर, वो मर गया है। हाँ तो पैकेट से सारी की सारी सिगरेट तो नहीं पी होगी इसने। मेरे ख्याल से इसने एक ही सिगरेट पी है, उसी से मर गया। तो फिर साहब, बाकी पैकेट गया कहाँ? फेंका तो नहीं होगा इसने, डेफिनेटली। तो फिर दे दिया किसी को? हाँ, दे दिया है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं हमें कोई लाश मिलने वाली है। सर, ये आदमी भी उसी जहर से मरा है जिस जहर से वो पहले वाला आदमी मरा था। वही एक्सोनिया? यस सर। एक्सोनिया एक बहुत ही डेडली नर्व पॉइजन है, और जैसे ये नर्व सिस्टम के अंदर जाता है तो पहले तो ऐसे लगता है जैसे जैसे कि आदमी को हार्ट अटैक हो रहा है, और फिर
अचानक वो आदमी मर जाता है। डॉक्टर वागले, आपको और कुछ मिला है इसके पेट वगैरह में से? जी सर, इसके पेट में इडली और कॉफी मिली है, ठीक तरह से पची नहीं है, शायद मौत के आधे घंटे पहले खाया होगा। ये हमें करीब 2:30 बजे मिला रात को। इतनी रात को कहां से मिली होगी इसे इडली और कॉफी? क्या मालूम, ये मैं कैसे बता सकती हूँ। इस आदमी की जेब में से हमें एक पैसा भी नहीं मिला, और जिस तरह से रात को सड़क पे घूम रहा था इधर उधर सामान उठाते हुए, उससे तो नहीं लगता कि इसके पास कुछ पैसे होंगे, और जो होंगे भी तो उड़ा दिए होंगे ड्रग्स पर। मगर सर, इसने इडली और कॉफी कहीं से तो खरीदी होगी, क्योंकि जब से इसने वो सिगरेट का पैकेट उठाया है तब से ये सड़क पे ही घूम रहा है। तब तो इसने इडली कॉफी के बदले वो सिगरेट का पैकेट बेच दिया है। मतलब अब वो पैकेट उस आदमी के पास है जिसने इडली और कॉफी से बेचे? हाँ, और अगर वो भी सिगरेट पीने वाला हुआ तो वो भी मरेगा। तुम लोग जल्दी से जल्दी जाके सड़क पे उस आदमी को ढूंढो। अगर उसने सिगरेट के पैकेट के बदले में इडली ली है तो सड़क पे से ही किसी से ली होगी। अरे भाई सुनो, तुम्हें मालूम है इस एरिया में रात को वो इडली कॉफी वाला कहाँ बैठा? इडली कॉफी वाला? हाँ हाँ, साइकिल वाला? हाँ भाई भाई, वो तो आगे के चौक पे होता है। आगे के चौक पे? चलो दिखाओ काम। तुम जाओ, देखो हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी से? हाँ, पुलिस। यहाँ करीब 1.5 घंटे पहले कोई आदमी पीले रंग की टी शर्ट पहने हुए आया था। पीले रंग की टी शर्ट? हाँ, उसने इडली कॉफी ली है तुम्हारे से। अरे सर, मैं इडली और कॉफी रखता ही नहीं, मेरे पास सिर्फ वड़ा पाव और चाय है। वड़ा पाव? वो आदमी तुम्हारे पास नहीं आया? नहीं। ऐसे एकदम से नहीं कैसे बोल रहे हो? हाँ, उसने तुम्हें एक सिगरेट का पैकेट दिया है। सिगरेट का पैकेट? हाँ, वो आया था, वो मुझे सिगरेट बेचने की कोशिश कर रहा था लेकिन मैंने उसे भगा दिया। अरे साहब, मैं सिगरेट रखता ही नहीं, तो खरीद लूँ क्यों? तो फिर कौन रखता है? ओ, आगे वाले चौक पे लल्लू है ना, वो रखता है, उसके पास इडली और कॉफी भी है। अरे जल्दी जल्दी बोल रहे, क्या क्या चाहिए मेरे को जाने का, नींद आई है मुझे यार, बोलो। अरे रुक ना, 5 मिनट तेरे को गर्मा गर्म कॉफी पिलाता हूँ, अभी तेरी सारी नींद आ रही है। अरे जाने दे मुझे सोने का, अभी जाके, तुमको तो रात भर जागने का ना, और इतनी लेट क्यों आया तू? तेरे को तो मालूम है ना जाने का टाइम होगा मेरा। अरे रुक ना यार, तुम कॉफी पिलाओ। ओ भाई साहब, क्या आपके पास फायर लाइट सिगरेट का पैकेट है? क्या फायर लाइट सिगरेट? अरे कहाँ रात को सिगरेट ढूंढने निकले हो? ओ भाई, फायर लाइट सिगरेट मैं नहीं रखता हूँ, बहुत महंगा सिगरेट है। कोई बात नहीं, मेरे पास है। आपके पास है? हाँ है। लीजिए। हाँ, लेकिन पूरा पैकेट नहीं है साहब, 4-5 सिगरेट कम है। कोई बात नहीं, चलेगा। कितना हुआ? 50 रुपये। थैंक यू। जिस सिगरेट से मैं मरने वाला था वो सिगरेट तुमने ही मुझे दी थी, उस पैकेट से निकाल कर तुम्हें पता था उस सिगरेट में जहर है। सर, वो पैकेट भी इन्होंने ही बाहर फेंका था विंडो से, सारा सबूत मिटा दिया, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। मगर घर में सिगरेट नवीन ने पी ही नहीं, पैकेट घर में खुला ही नहीं, पैकेट तो डिस्को में खुला था। डिस्को में? ये क्या नया चक्कर है? हाँ, वो हम लोग डिस्को गए थे रेस्टोरेंट में जाने से पहले। ओ, तो पैकेट वहां पे खुला? पैकेट कहाँ खुला था? स्ट्रेंज, कुछ याद ही नहीं आ रहा है। वहां टेबल पर 7-8 दोस्त बैठे हुए थे और पैकेट खुला पड़ा था। तुमने डिस्को में जाने से पहले एक भी सिगरेट नहीं पी? नहीं। इसका मतलब है सर, जो भी हुआ है डिस्को में ही हुआ है। चलो डिस्को में चलते हैं। यहाँ करीब सभी हमारे दोस्त हैं।
पर इतनी भीड़ में कैसे ढूंढेंगे कि जहर किसने मिलाया है? पहले उनसे शुरुआत करते हैं जो इनके साथ बैठे थे। क्या तुम इस भीड़ में उनको ढूंढ सकते हो जो तुम्हारे साथ यहाँ बैठे थे? सोचना पड़ेगा कौन कौन हमारे साथ बैठे थे। क्या सोचना पड़ेगा कौन कौन हमारे साथ बैठे थे। जल्दी करो जल्दी करो, मौत सिगरेट पैकेट में घूम रही है। अरे सुनो भाई, करीब डेढ़ दो घंटे पहले किसी ने सिगरेट बेची है तुम्हें? मुझे? हाँ, उसने पीले रंग की टी शर्ट पहनी हुई थी। हाँ साहब, बेची है। बेची है? हाँ साहब, वो क्या था कि भूखा बहुत था वो, तो मैंने उसको साहब इडली और कॉफी दी। कोई गलती की साहब मैंने? नहीं, वो पैकेट कहाँ? वो पैकेट, हाँ वो पैकेट, उसमें जहर है। जहर? हाँ, वो तो मैंने बेच दिया साहब। सारी सिगरेट बेच दी? हाँ साहब, वो पैकेट खोला हुआ था साहब, आधे से ज्यादा सिगरेट थी। कोई लाल रंग की गाड़ी में आया था साहब, उसको दे दिया। कौन था वो? हाँ, वो एक लड़का और एक लड़की थी साहब। किस तरफ गए? वो इधर इधर ही गए साहब, आगे उस तरफ मरवा दिया। अरे क्यों बेच दी पैकेट तुमने उसको बेवकूफ? हाँ, किसको ढूंढने गया? चलो, ऐसे काम नहीं चलेगा। सुधाकर, म्यूजिक बंद करो और लाइट ऑन करो। ओके सर। जल्दी सुनो सब लोग, बातें बंद करो और मेरी बात ध्यान से सुन लो। यहां एक गुनाह हुआ है, क्राइम हुआ है यहां पे, और तुम लोगों में से किसी ने किया है वो, समझे? सब लोग यहां लाइन से खड़े हो जाओ। लड़कियां इस तरफ, लड़के इस तरफ। सुधाकर चेक करो। अच्छा, लड़कियों को चेक करो और देखो गेट बंद करो, कोई बाहर नहीं जाएगा। एक लाइन में आइए प्लीज। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? आइए आइए मैडम, इस तरफ आइए प्लीज। मैडम आइए, यहाँ लाइन में प्लीज, यहाँ पे सीधे खड़े रहिए। आप एक लेफ्ट जरा प्लीज। सॉरी सॉरी सॉरी, पर्स बस लाइए, इधर हो जाइए। क्या हो गया? थैंक यू। क्या कर रहा है यार, हमें क्यों फंसा रहा है? मैं नहीं फंसा रहा हूँ। तो फिर ये क्या है यार? ये एक्सक्यूज मी सर, सर कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं? नहीं सर। नो सर, नथिंग। ठीक है, तुम बाथरूम और टॉयलेट चेक करो, जाओ। अच्छा, तुम लोग कहाँ बैठे थे? हम लोग यहाँ यहाँ बैठे थे। हम लोग यहाँ तुम्हारे साथ और कौन कौन बैठे थे? यहाँ पर एक तो ये दोनों थे। तू क्या कर रहा है यार? सब ये दोनों थे। ठीक है, और कौन कौन? और जाओ जल्दी जाके बुला के लेके आओ। अच्छा, जाओ इनके साथ। हमारी वेडिंग एनिवर्सरी थी इसलिए पहले हम दोनों डांस करने चले गए। अच्छा, जब तुम डांस कर रही थी तो ये लोग यहीं पे बैठे थे? हाँ, यहीं पर बैठे थे। यहीं पे बैठे थे, मतलब गड़बड़ यहीं पे हुई है। और हमने कुछ सिगरेट का पैकेट भी यहीं पे था। हाँ। आ जाओ बाजू में, आ जाओ। जब तुम डांस कर रही थी आप चलिए वहां पे। ये सिरिंज मिली है।
अगर इसमें जहर मिला ना तो तुम सब लोग गए काम से, समझे? आ गया, पैकेट मिल गया है। ले, यहां वो आदमी भी मिल गया है और एक सिरिंज भी मिली है। हाँ, वो पैकेट संभाल के फॉरेंसिक लैब में लेके आओ। सर बहुत कोशिश की किसी की मौत ना हो, मगर 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 क्या? मगर सर एक मौत हो ही गई है। क्या? ये बात तुमने मुझे फोन पर नहीं बताई। सर वो पैकेट तो हाथ में आ ही गया था, मैंने सोचा कि एक सिगरेट की वजह से कितने सारे लोग मारे गए। तुम में से किसी ने अगर ये किया है ना तो उसे फांसी पर चढ़वाए बगैर मैं चैन से नहीं बैठूंगा। सर आप, हमने कुछ नहीं किया सर, कैसी बातें कर रहे हैं सर आप? पैकेट्स पर कोई फिंगरप्रिंट्स मिले? 15 फिंगरप्रिंट्स हैं, 10-12 लोगों ने इस पैकेट को हाथ लगाया। देखिए, ये 15 फिंगरप्रिंट्स किस किस के पता लगाना जरा मुश्किल होगा। हाँ, लेकिन मैंने ये सारे के सारे फिंगरप्रिंट्स अलग अलग छांट कर रखे हैं। देखिए, ये 15 के 15 चांस प्रिंट्स मैंने कंप्यूटर में डाल दिए हैं। अब आप इन लोगों को एक एक करके बुलाइए और इस ग्लास पर अपना हाथ लगाने को कहिए। इस ग्लास पर? हाँ, ये एक स्किन सेंसिटिव ग्लास है, इस पे से फिंगरप्रिंट सीधा कंप्यूटर में आ जाता है। यहाँ तो हर रोज एक नई चीज देखने को मिल रही है, इससे कुछ फायदा भी होता है या नहीं? आप अपने सस्पेक्ट्स को बुलाए तो सही। अब आइए, आइए। मैं फिर कह रहा हूँ सब, यहाँ हाथ लगाओ, हाथ लगाओ। हाँ, लगाइए हाथ। मैडम, मैडम, लगाइए। मैंने कहा था ना सर, मैंने ये नहीं किया। मैं क्यों करूंगा ये सब काम? ये काम इस परदेसी ने किया है। ये सिगरेट का पैकेट उठाकर टॉयलेट में गया था और लाकर वापस रख दिया। तूने मेरा नाम क्यों ले दिया यार? अरे सर, तेरे ही क्या, सबका नंबर आने वाला है। परदेसी, तुम आओ यहाँ, हाथ लगाओ यहाँ। चलिए, लगाइए हाथ। भगवान ऐसे दोस्त सबको दे जो दोस्तों को मुसीबत में गड्ढे में धकेल देते हैं। चुपचाप हाथ लगाओ। किसने किया? किसने? इसने। मैंने? अरे तुम तो मुझे इतनी अच्छी तरीके से जानते हो, फिर भी ये बातें कह रहे हो? अरे हम तो अच्छे दोस्त रह चुके हैं। तुम्हें कैसे मालूम कि इसने किया? ये जलता है नवीन से। नवीन से शादी कर ले, इसीलिए जलता है। अरे इसने जलन की वजह से नवीन का खून करने की कोशिश की। ये थप्पड़ मैं भूलूंगा नहीं जिंदगी भर। तुम्हें पहले से मालूम था ना इसने किया? हाँ। अभी तक चुप क्यों रही तुम? सर, जब मैंने कुछ किया ही नहीं है तो फिर ये बोलेंगे क्या? तुम यहाँ? सर मैंने यहाँ पर सर, तुम कम से कम मुझे तो बता सकती थी कि तुमसे प्यार करता है। मैं मुझे कैसे बता सकती हूँ? आप प्लीज वहां खड़े हो जाओ। लेकिन सर मैं ग्लास में हाथ लगाओ। लगाओ। Thank you.
ये भी नहीं। अब तो सिर्फ दो ही लोग बचे हैं। कौन दो? एक ये है? और दूसरा? दूसरी ये। क्या? आपकी वाइफ। अब असली कहानी क्या है बता दीजिए। असली कहानी तो आप लोगों के सामने वो सिगरेट का पैकेट। सिगरेट का पैकेट है? चलो चलो आप भी चलो। सर चलो। सर मैं चलो हाथ लगाओ। ग्लास को हाथ लगाओ। लगाओ। झूठ बोलते हो। सच बोलने से पेट में दर्द भी नहीं होता। तुम डिटेक्टिव हो या डॉक्टर? सच का डॉक्टर। मैं संध्या से बहुत प्यार करता था और इसने नवीन से शादी कर ली। नवीन के सामने हार गया। संध्या ने भी मुझे कभी घास नहीं डाली। अब सिर्फ एक ही तरीका था नवीन को अपने रास्ते से हटाने का। उसकी मौत। वो जहर का आइडिया कहां से मिला था? मैं जहर के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बना रहा था, तभी मुझे उस जहर के बारे में पता चला। तीन तीन खून का मुकदमा चलेगा तुम्हारे ऊपर। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.